यहाँ पे आलू कद्दूकस कर लिया, इसमें जाएगा नमक और यहाँ पे है लहसुन गार्लिक और इसमें है ना प्याज धनिया और हरी मिर्च एक साथ चॉप कर लिया, इसे भी डाल देंगे और मिला देंगे। और आपको देख के पता ही चल रहा होगा क्या बनाने जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ ये आलू पराठा। आलू पराठा सुबह मुझे याद नहीं था तो सोनू ने अपना तो कॉर्नफ्लेक्स ले लिया था, कॉर्नफ्लेक्स मतलब मूसली ओट्स जो खाते हैं दूध केले के साथ वो तो ले ही लिया था। उसके बाद मैंने मुझे जब याद आ रही आलू का पराठा बनाऊंगी मैं मुझे बोलना भूल गए तो आप आलू का पराठे खा लेते। हाँ तो तब तक तो वो भीग गया था मूसली उसली। इनके सामने अगर आलू के पराठे दो तो किसी भी हेल्दी ब्रेकफास्ट को मारो गोली। तो उसके बाद उनका तो मूसली बस भीग गया, दूध में डाल दिया तो मैं मुझे भी याद नहीं था। फिर जब बोला तो बोल रहे कि पता है कि मैं ये सब से ऊपर चले गए, मैं मोह माया नहीं है। ठीक है मोह माया नहीं है तो मैंने बोला ये आलू का पराठे बनाऊंगी और उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दूंगी। तो बोला डिलीट कर देंगे फोटो सारे, रिया तो आज वही करेगी जलाने के लिए पप्पा को। उसके पप्पा है पप्पा, पापा नहीं बोलते पप्पा। अब मेरे पप्पा होना, मेरे पप्पा होना, जब भी काम कराना हो किसी तेल लगाना हो, अब मेरे मम्मी होना, मुझे तो मम्मी बोलते हैं, पापा को बोलते हैं अब मेरे पप्पा होना, मैंने एक पॉ एक्स्ट्रा लगाती है। दिखा दी हुआ अभी ऑफिस जा रहे हैं उनको वो देख करके। ये देखो यहाँ अभी ऑफिस जा रहा है मोह माया तैग करके है। सुनो दोनों ही आलू का पराठे का मोह माया तैग करके ऊपर हो गया तो है ना, आप तो इस सबसे ऊपर हो गए तो आपके लिए रख दूँ ये खा लूँ। संत आदमी है ना तो ऐसे भी नहीं रखू ना रखने के लिए बोला, आके अगर कुछ बोलती है बोलता है ना ढूंढता है ना अनपढ़ नहीं है मेरे लिए। एक एक बैग तो होना चाहिए था ना दोनों एक साथ, कैसे आया यार धोने के लिए। क्या खींच खींच के भेजेंगे तेरे पप्पा को। पराठा दे दीजिए और अचार लिए ना बेटा, मिर्ची का अचार ठीक है। कहाँ है जंगल के अंदर, क्या ये असाइनमेंट हो रहा है बैठ के, ठीक से बैठ और मिर्ची का अचार ले ले बेटा ठीक है। आज बनाएंगे ये मोरोला माछ, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में नाम पता नहीं, उसे फ्राई कर देंगे छोटा वाला मछली।
दिन निकले थे और ये लड़की का ये 5-5 टी शर्ट खरीद के लाए थे एक्सपोर्टर से संडे को, ज्यादा हो गया। अब मैंने वो उसको बोल रही हूँ 10 साल के लिए मत बोलना खरीदने का। 10 साल की कुछ भी मतलब? कुछ भी मतलब की 10 साल पहनेगी अभी? देख मैं ये जो पहनी हूँ ये भी 5 साल पुराना है, 5 साल नहीं 4 साल हो गया, 4 साल पुराना है। तू बता तेरा क्यों नहीं होगा, 10 साल तो चल ही जाएगा ना। इस टाइप का पैंट अच्छा है, एक्स्ट्रा पर्स ले जाने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड में पॉकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड सब घुस जाता है और यहाँ पे चाबी पैसे सब घुस जाता है। अरे मैंने मास्क नहीं लिया, मास्क ले लूँ। जा रही हूँ मैं मसूदपुर, होशियारी शॉप में जाना है और मेरे जो घर में पहनने वाला चप्पल है वो भी फट गया, तो एक हवाई चप्पल लेना है और क्या लेना है, और जाएंगे हरियाणा फ्रेश। सुबह जब हस्बैंड ने दूध लेने गए थे तो उनको पालक नहीं मिला फ्रेश, पता नहीं इतना लेट हो गया, मुझे भी नहीं मिलेगा या नहीं। देखो 12 बजने जा रहा है, 12:15 हो रहा है, तो इस टाइम मिलेगा या नहीं मुझे भी पता नहीं, लेकिन वहाँ पे जो सब्जी और साग रहता है ना वो फ्रेश रहता है, तो एक बार उस साइड में जा ही रही हूँ तो वो भी देख लूँ। अगर पालक मिल जाएगा तो रात में बनाएंगी पालक पनीर, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ, पहले मास्क ले लूँ और चलती हूँ मसूदपुर। बाय। बंद कर दो इसे, आके फिश फ्राई कर देंगी आज। ये बंद करो, टाटा बाय। आज डिनर में बना रहे हैं पालक पनीर, इसके लिए यहाँ पे पालक थोड़ा सा हल्का सा बॉयल कर लिया और यहाँ पे पेस्ट बना लिया, इसमें कुछ नहीं दिया नमक वमक कुछ नहीं, सिर्फ पेस्ट बना लिया। और यहाँ पे पालक पनीर के लिए है प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, ये सारे काट लिया। यहाँ पे है धनिया और यहाँ पे है पनीर, पनीर मैंने थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, और है थोड़ा सा बटर, बटर मैं लास्ट में लूँगी। और यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया, तेल गरम हो गया, इसमें डालेंगे अदरक और ये लहसुन। गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे प्याज में, पालक में नमक होता है इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालें और टेस्ट करके देखिए, अगर नमक चाहिए तो फिर से डालें। प्याज भी फ्राई हो गया। देखने में जितना लाजवाब है ना खाने में भी उतना है टेस्टी है। तो अब मैं ये जो बटर रखे ये डाल देंगे बस, और ढक के गैस ऑफ कर देंगे, कढ़ाई को ढक देंगे और गैस ऑफ कर देंगे। ये देखो इनको ऑफिस हो गया, सुबह से गर्दन में दर्द है, बोल रहा है कि आलू पराठा नहीं खाना इसलिए गर्दन में इसका दर्द है। अभी आलू पराठा खा लिया तो थोड़ा कम हुआ? नहीं अभी देखो ना, प्रेस से कर करके सेंक दे रहा था मैं। अच्छा गर्दन में।
তো হট ওয়াটার ব্যাগ নিচ্ছ না কেন? আরে হট ওয়াটার ব্যাগটা লাগাবো কোথায়? ওটা তো এরকম এরকম না হয়ে যাবে, ঘরের ঘরে কি করে হবে? হে অত উঁচু নিয়ে বালিশ নিলে আরো ব্যথা হবে। আমি নিচে করে নিয়েছিলাম, আমি এটা নেব ভাবছিলাম আরো, কারণ যেই মা ঘরটা নিচে করছে আরো বেশি লাগছে এরকম হবে। তো ঘরটা এরকম পাতা হ্যাঁ আকে দো আলু কা পরাঠা দেখা उसके बाद बोला हाँ मैं वही सोच रही थी, मेरा गर्दन क्यों सोच रही थी? नहीं मैं तो सोच रहा था, तुम सोच रही होगी। सॉरी मैं नहीं सोच रही थी, सोच रहा था कि मेरा गर्दन क्यों दर्द कर रहा है, इसीलिए अब ठीक हो जाएगा। आलू का पराठा खाया दो, आलू का पराठा चाय के साथ, उसके बाद बोला अब थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, आके यहाँ पे लेटे है और सेक दे रहा है। चलो दोस्तों, मेरा तो आज का पालक पनीर रेडी हो गया और बाकी है रोटी बनाना। तो रोटी तो रिया का जिम्मा है भाई, ये देखो उसका असाइनमेंट पूरा हो गया। अब क्या हो रहा है रिया? कुछ नहीं, पढ़ रही हूँ। हवा हवा ही हो रहा है, पढ़ रही है। तो रोटी रिया का जिम्मा है, रिया बनाएगी, मेरा छुट्टी। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज चलते हुए फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।